नमस्ते बच्चों, एडवोकेट बापू साहेब बोंडे हाई स्कूल के डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी। बच्चों, हम स्वरों की मात्राएं सीख रहे हैं। इससे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। अभी मेरे साथ स्वर पढ़ी है। ओ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अहा। यह सब स्वर है। स्वरों की मात्राएं में हमने पहले कुछ मात्राएं सीखी है। कौन कौन सी मात्रा सीखी है एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली है अ की मात्रा। अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। दूसरी है आ की मात्रा। इसमें अक्षर के सामने एक काना जोड़ा जाता है, खड़ी डंडी जोड़ी जाती है, उसे एक काना कहते हैं। तीसरी हमने सीखी ई की मात्रा, इसे हम छोटा ई भी कहते हैं। इसकी मात्रा कैसी होती है? पहली वेलांटी होती है। चौथी है बड़ा ई की मात्रा। बड़ा ई की मात्रा दूसरी वेलांटी होती है। पिछली वीडियो में हमने सीखा ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा में पहला उकार होता है और बड़ा ऊ की मात्रा में दूसरा उकार होता है। आज हम आगे की मात्रा सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे ए की मात्रा। ए की मात्रा, इसमें अक्षर के सिर के ऊपर एक तिरछी डंडी दी जाती है, इसे एक मात्रा कहते हैं। दूसरी है ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा में अक्षर के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी जोड़ी जाती है। पहली है ए की मात्रा। ए की मात्रा में अक्षर के सिर के ऊपर एक तिरछी डंडी जोड़ी जाती है, जिसे कहते हैं एक मात्रा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ क में ए की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया क के सिर के ऊपर एक तिरछी डंडी के। ऐसे हम इसे पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। ए की मात्रा। क में ए मिलाया, अक्षर बन गया के। क के ऊपर एक तिरछी डंडी। ख में ए मिलाया, अक्षर बन गया खे। अब हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। के खे, गे घे, छे छे, जे झे, ते ठे, दे ढे, ने ते थे, दे धे, ने पे फे, बे भे, मे ए, रे ले, वे शे शे, से हे शे, त्रे गे। ऐसे ए की मात्रा पढ़ी जाती है। बच्चों, अब हम ए की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। शब्द पहला से। से में ब मिलाया, शब्द बन गया सेब। दूसरा में ला मिलाया, शब्द बन गया मेला। तीसरा शे में र मिलाया, शब्द बन गया शेर। चौथा ग में ने मिलाया, ने में श मिलाया, अक्षर बन गया गणेश। पांचवा च में मे मिलाया, मे में ली मिलाया, शब्द बन गया चमेली चमेली। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य पहला बेला, केला,
दूसरा मेला देखने देखने चल, तीसरा सेब से ला। ऐसे हमने एक ही मात्रा वाले शब्द और वाक्य पढ़े। दूसरी है ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा में दो मात्राएं होती है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रही है अक्षर के सिर के ऊपर दो मात्रा, मतलब दो तिरछी डंडी जोड़ी जाती है। क में ऐ की मात्रा मिलाने से अक्षर बनता है क के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी, कई, ऐसे इसका उच्चारण किया जाता है। बच्चों, इसके पहले हमने एक ही मात्रा पढ़ी है। एक ही मात्रा में एक तिरछी डंडी होती है और एक ही मात्रा में दो तिरछी डंडी होती है। आज हम एक ही मात्रा सीखने वाले हैं। एक ही मात्रा में दो मात्राएं जोड़ी जाती है। क में दो अक्षर बन गया कई। ख में दो मात्राएं मिलाई, अक्षर बन गया खई। अब हम ऐ की मात्रा पढ़ेंगे। क के ऊपर दो तिरछी डंडी कई। ख के ऊपर दो तिरछी डंडी खई। ग के ऊपर दो तिरछी डंडी गई। घ के सिर पर दो तिरछी डंडी गई। च के सिर पर दो तिरछी डंडी छय। छ के सिर पर दो तिरछी डंडी छय। ज के सिर पर दो तिरछी डंडी जय। झ के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी झय। ट के सिर पर दो तिरछी डंडी टई। ठ के सिर पर दो तिरछी डंडी ठई। ढ के ऊपर दो तिरछी डंडी डय। ढ के ऊपर दो तिरछी डंडी ढय। न के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी नय। त के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी तय। थ के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी थय। द के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी दई। ध के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी दई। न के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी नई। प के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी पई। फ के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी फई। ब के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी बई। भ के सिर के दो तिरछी डंडी भई। म के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी मई। य के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी यई। र के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी रई। ल के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी लई। व के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी वई। श के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी शय। श के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी शय। स के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी सय। ह के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी हय। श के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी क्षय। त्र के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी त्रय। ज्ञ के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी ज्ञ। ऐसे ऐ की मात्रा पढ़ी जाती है। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। कई खई गई घई चई छई जई झई टई ठई दई ढई नई तई थई दई धई नई पई फई बई भई मई यई रई लई
वै षै षै सै है क्षय त्रय क्यल, ऐसे ए की मात्रा पढ़ी जाती है। बच्चों अब हम ए की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। पहला न के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी, नई, नई में या मिला है, शब्द बन गया नैया। दूसरा थ के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी, थई, थई में ला मिला है, शब्द बन गया थई ला। तीसरा म के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी, मई, मई में ना मिला है, ना, मई ना। चौथा प के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी, पई, पई में द मिला है, द में ल मिला है, शब्द बन गया पैदल, पैदल। पांचवा ग में व के सिर के ऊपर दो तिरछी डंडी, वही, ग में वही मिलाया, वही में या मिलाया, शब्द बन गया ग वही या, गवैया। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। पहला नैया पानी में तैरती तैरती है, नैया पानी में तैरती है। दूसरा कैलाश पैदल आया है, कैलाश पैदल आया है। तीसरा गवैया थैला लेकर जाता है, गवैया थैला लेकर जाता है। ऐसे हमने ए की मात्रा वाले शब्द और वाक्य पढ़े। बच्चों आज हमने ए और आई की मात्रा सीखी, उनसे बनने वाले शब्द और वाक्य भी सीखे। गृह कार्य में मतलब होमवर्क में आपको ए की मात्रा और आई की मात्रा वाले शब्द और वाक्य अपनी हिंदी कॉपी में एक बार लिखने हैं। अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।